जय बद्री विशाल दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। और आज के ब्लॉग में हम आपको बद्रीनाथ धाम का पूरा एरियल व्यू दिखाएंगे, किस तरह बदल गया है पौराणिक स्वरूप, अब धीरे धीरे बदल रहा है बद्रीनाथ का। हालांकि मंदिर तो नहीं बदलेगा, लेकिन मंदिर के आसपास जो भी था वो सारा बदल रहा है। देखिए, ये कपाट खुलने के दिन की तस्वीर है जो ड्रोन से ली गई, और बेहद अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत ये दिव्य नज़ारा है। ये ठीक सामने देखिए सिंह द्वार, और अंदर देखिए गर्भगृह जहाँ पे पूजा चल रही है। कपाट खुलने से पहले गणेश पूजा दरवाजे पे होती है। पहले बाहर का दरवाज़ा, पहले सिंह द्वार खुलता है, फिर मंदिर के गर्भगृह के बाहर का दरवाज़ा खुलता है, और अंत में जो गर्भगृह का मुख्य दरवाज़ा है जो अंदर है उसे खोला जाता है। उसे रावल जी खोलते हैं, उसके साथ ही अखंड ज्योति के पहले दिन के जो दर्शन होते हैं एकदम निर्वाण दर्शन होते हैं। बद्री विशाल पे कोई श्रृंगार नहीं होता है, फूल पुष्प कुछ नहीं होता है, और पहले दिन का जो प्रसाद होता है वो होता है घृत कंबल, जो कंबल कुंवारी कन्याओं द्वारा कपाट बंद के दौरान बनाई जाती है, और बद्री विशाल को उस पर घी लगा के पूरी तरह से कंबल से ढका जाता है ताकि सर्दियों के दौर में भगवान को ठंड ना लगे। तो वही कंबल निकाल के उसी का धागा लोगों को बांटा जाता है। हर कोई उस घी को अपने पे लगाता है क्योंकि वो भगवान बद्री विशाल के मूर्ति से निकला हुआ घी और धागा होता है, वो बहुत भव्य प्रसाद होता है। और पहले दिन के निर्वाण दर्शन होते हैं बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं, पुष्प कुछ नहीं लगा होता है। 10 बजे तक भगवान बद्री विशाल के वो दर्शन चलते हैं। और उसके बाद 10 बजे यहाँ पे अभिषेक होता है, फिर से श्रृंगार में आ जाते हैं। फिर बद्री विशाल एकदम अपने श्रृंगार के बाद अद्भुत दर्शन देने शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए, कपाट खुलने से पहले हर कोई बद्री विशाल के जो नीचे सामने दिखाई दे रहे हैं मंदिर के सामने, ये सारे मीडिया के लोग हैं जो न्यूज़ के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जो ये 3 की लाइन दिखाई दे रही है इधर को, इसमें सारे श्रद्धालु दर्शनों की लाइन में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब कपाट खुलेंगे और कब ये लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भगवान बद्री विशाल की यात्रा शुरू हो गई है। अब बद्रीनाथ में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है, मंदिर के आसपास के भवन टूट गए हैं, मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, पुरानी भव्यता एक तरफ से गायब हो रही है, नया बद्रीनाथ बन रहा है। अब मंदिर तो नहीं बदलेगा, लेकिन जो आसपास का जो पुराने, अगर आप लोग आए होंगे, पुराना जो बद्रीनाथ था उसके सामने आप नया दिखेगा तो बिल्कुल अलग होगा। किसी को ये पसंद आता है, किसी को पुराना ही पसंद आता है। थोड़ा यात्रा में कहीं कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, व्यवस्थाएँ पूरी नहीं हैं, थोड़ा जाम की समस्या हर तरफ देखने को मिल रही है। इस बार थोड़ा सा सड़कों का काम टाइम पे नहीं हो पाया है, ऐसे में जो व्यवस्थाएं थी वो दिक्कत कर रही हैं बद्रीनाथ धाम में। आज तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग जो थे उन लोगों ने थोड़ा सा आक्रोश भी दिखाया, उनकी नारेबाजी हुई, 7 से 8 घंटे तक वो लोग आंदोलन करते रहे, क्योंकि उनको VIP कल्चर जो यहाँ पर चल रहा था उससे थोड़ा परेशानी हो रही थी। ऐसे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें सुनने को मिल रही है, ऐसे में हर किसी को नहीं लेकिन तीर्थयात्री को परेशानी हो जाती है। हालांकि आज के जो आंदोलन था वो उसमें तीर्थयात्री सीधा दर्शन कर रहे थे, उनका कहीं उनके दर्शन किसी ने नहीं रोके थे, वो लोग जा रहे थे। लेकिन ये जो आक्रोश था, ये मंदिर के जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष और प्रशासन इन लोगों से था, तो उन लोगों पर आक्रोश दिखाया लोगों ने, यात्री दर्शन करते रहे। और ये देखिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के दिन की तस्वीर, एकदम एरियल व्यू है, ड्रोन से लिया हुआ है, ये अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में ऐसी तस्वीरें मुश्किल से आती हैं, कभी कोई ड्रोन नहीं उड़ाने देता है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और अभी कपाट खुले नहीं हैं, अब कपाट खुल रहे हैं, लेकिन इस बार मंदिर का जो आसपास का अगल बगल का जो इलाका है वो पूरी तरह से वहाँ के मकानों को तोड़कर एकदम नया बना दिया गया है।
अब यहाँ पे क्या बनेगा ये नहीं पता, लेकिन अब मंदिर दूर से आपको एकांत में दिखाई दे रहा होगा। और अब कपाट खुलने ही वाले हैं क्योंकि अंदर पूजा चल रही है और मुख्य सिंह द्वार पे ये देखिए आप खुलने वाले हैं। सिंह द्वार की तरफ और ये खोल दिए गए हैं, ये देखिए जय बद्री विशाल। यही समय होता है जब कपाट खुलते हैं, एकदम दरवाजे खुल जाते हैं और इसके साथ ही आप कुछ देर बाद दर्शन शुरू हो जाते हैं। तो ये था आज का एरियल व्यू के साथ बद्री विशाल के दर्शन। जय बद्री विशाल दोस्तों।